الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمره هذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادواد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین محترم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ ترتیب دنال سماعت فرما رہے ہو سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سنیا کہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام آپ دے تمام بھائیاں نے بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ یا تو یوسف علیہ السلام نو مار دیتا جاوے یا یوسف علیہ السلام نو کسے دور دیس دوراڈے چھوڑ دیتا جاوے یا یوسف علیہ السلام نو کسے اندھیرے کھوئے چ سٹ دیتا جاوے رات نو بھائیاں نے بیٹھ کے پروگرام بنا لیا صبح ہوئی تے سارے بھائی اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے عرض کردے نے بابا بہار دا موسم ہے پھل بھی کھلے نے کلیاں اور پرندے چہچہارے نے موسم بڑا سہانا ہے تے اجازت ہوئے تے اسی بھی سیر کر کے آئیے اسی سارے مشورہ کر کے آئیاں کہ اپنی زمینہ وال جائیے اور سیر کر کے آئیے تے یوسف بھی ساڑے نال جاوے یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب بھی سن چکے سن
आपने भी एक ख्वाब देखा और हजरत यकूब अलैहि सलातो सलाम दा इल्म नबूवत भी उन्होंने सारा कुछ दस रहा सी। आपने इरशाद फरमाया कि बेटा तुसी जाओ और जाके सैर करो मगर मैं यूसुफ दी बहारां ते यूसुफ मेरी बहार है, असीं दोवें इक दूसरे नूं वेख के गुजारा कर लवांगे। गिरामी कदर हजरात यकूब अलैहि सलाम ने इनकार फरमाया कि मैं अपना यूसुफ नहीं जान देना। आपने उदियां दो वजह बयान की थी, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया। पहली वजह है कि हजरत यकूब अलैहि सलाम ने फरमाया कि बेटा अगर तुम यूसुफ नू ले गए तो इरशाद फरमाया कि मेरे को यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। आप उस जुदाई का जिक्र नहीं फरमा रहे कि जी 40-80 साल की जुदाई है। फरमाया बेटा आ जी सुबह तो लेकर शाम तक की जुदाई है, मेथों भी बर्दाश्त नहीं। प्यार वखरा सी बाप ते बेटे दा। इरशाद फरमाया पुत्रो मेरे को सुबह तो लेके शाम तक की जुदाई भी यूसुफ की बर्दाश्त नहीं। और दूसरी वजह आपने यह बयान फरमाई कि बेटा अगर तुसी यूसुफ नु ले जाओ तो मैनु खतरा है, तुसी अपने खेल कूद ते अपने शिकार वाले चले जाने तो यूसुफ नु किधरे बेड़िया ना खा जाए। वो मशवरा जिहड़ा रात नु पुत्र बैठ के पे कर देने कि सुबह आके बाबा जी नु कहवांगे कि बाबा जी यूसुफ नु बेड़िया खा गया। अल्लाह दे नबी याकूब अलैहि सलाम अपने इल्म नबूवत ना पहले फरमा रहे ने कि बेटा तुसी खेल कूद दे अंदर लग गए, तुसी शिकार कर दे रहे, मेरे यूसुफ नु किधरे बेड़िया ना खा जाए। दो वजह आपने बयान फरमाया। पहली वजह भी मकूल है कि याकूब अलैहि सलाम ने कदे यूसुफ नु अपने तो एक लम्हा भी जुदा नहीं किया। इरशाद फरमाया कि मैं अज किवें जुदा कर देवा। दूसरा बयान जिहड़ा फरमाया कि किधर यूसुफ नु बेड़िया ना खा जाए। आपको पता सी कि मेरे पुत्रां नु यूसुफ की कदर कोई नहीं, अपने ध्यान लगे रहेंगे, इन्हें खेल ते तमाशा करना है और मेरा यूसुफ इकला रह जावे ते नू बेड़िया ना खा जावे। उदी एक वजह ए भी सी कि जिस इलाके च जाना चाहते सन उलमा ने फरमाया कि उत्थे बेड़िए बहुत ज्यादा तादाद च होंदे ने। बाद मुफस्सिरीन ते सूफिया ने फरमाया कि अल्लाह के नबी याकूब अलैहि सलाम ने आप दे भाइयों नू ही बेड़िया आख्या कि किधरे मेरे यूसुफ नू आ बेड़िए ना खा जान। वो जिहड़ा ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने वेख्या सी, अल्लाह के नबी याकूब अलैहि सलाम अपने इल्म नबूवत नाल सारा कुछ जान के ते इनकार कर दिता। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे भाइयों ने उस वेले यूसुफ वल वेख्या, यूसुफ तेरा की इरादा है? हुण यूसुफ अलैहि सलाम भी जाना नहीं चाहते। आप कदे बाप वल वेखदे ने ते कदे भाइयों वल वेखदे ने। याकूब अलैहि सलाम ने यूसुफ वल ते यूसुफ ने याकूब वल वेख्या। हजरत याकूब पुछदे ने यूसुफ तेरा की ख्याल है? यूसुफ अलैहि सलाम बचपन से अर्ज करते ने बाबा मेरा ख्याल लेके मैं हो ही आवां। भाई बड़ी जिद पे कर देने, प्यार भी बड़ा कर देने ते बाबा इजाजत होवे ते मैं भाइयों के नाल सैर कर आवां। हुण यूसुफ अलैहि सलाम दे बाप नु पता सी कि आइंदा आने वाले जमाने च कैसे वाकयात गुजरनगे। जेडे वेले यूसुफ अलैहि सलाम ने अर्ज की ना बाबा मेरा ख्याल है मैं हो ही आवां, उस वेले याकूब अलैहि सलाम दे दिल ते कलेजे नू हाथ पै गया। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने दा बड़ा प्यारा जिहा रंग पेश फरमाया। जे तुसी बोलो सुभान अल्लाह ते मैं गल सुना दे। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जेडे वेले यूसुफ ने आख्या मैं हो ही आवां, याकूब अलैहि सलाम ने पुत्र नु सीने नाल ला लिया ते आ फरमान लगे सख्ती जंगल तू ना जाने
सख्ती जंगल तू ना जाने नाजा दे बिच पलियों सख्ती जंगल तुम्हें गल्ला फरमारे ने सख्ती जंगल तू ना जाने नाजा दे बिच पलियों मैनू छड़ इकला हुजरे ते तू यूसुफ तुर चले मैनू छड़ इकला यूसुफ ते तू इकला तुर चले हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अर्ज की बाबा मैं भाइयों नाल जाण लई तैयार हाँ यकूब अलैहि सलाम दे दिल नूं हथ पै गया नौजवानों रात गुजरी जिवें गुजरी इमाम गदाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सारी रात ना यूसुफ सुते ने ना सारी रात यकूब सुते ने सारी रात यूसुफ अलैह सलाम अपने बाप वल वेखदे रहे यकूब अलैह सलाम सारी रात यूसुफ वल वेखदे रहे अखियां अखियां में ची बाप ते बेटा गल्लां करदे रहे नौजवानों अज आखरी रात है अज वसल दी आखरी रात है सुबह जुदा घड़िया शुरू होने वाली ने इसे बात आशिक बोल के कहता है कदे मेरा बस चले मैं बसल दी रात कयामत तक लंबी कर देवा अजे आखरी रात बसल दी रात अरबे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह परमांदे ने सारी रात आशिक यो सोचता है कदे बसल दी रात कयामत तक लंबी हो दे अज रात बाप ते पुत्र पे सोच देने या लख दे अज दी रात ना मुके या अल्लाह सवेर कनू पैदा कीती या अल्लाह कदे रात ही रवे मैं यूसुफ वेखदा रवां यूसुफ कहंदे ने मैं यकूब वेखदा रवां मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओ घड़ी रल बैठन वाली जद याद बंदे नू आवे कसम खुदा दी कसम खुदा दी ओ चीर कले जा जावे अखियां ची गुजर गई जिन्होंने रब तौफीक दी बोले सुभान अल्लाह भाई मैं किस्सा टोर लिया नौजवानों इत्थे जुदाई भी है इत्थे इश्क भी है इत्थे हुसन दे चर्चे भी ने इत्थे वसल भी है इत्थे विछोड़ा भी है सारा कुछ सुनावांगा इत्थे हिजर भी है इत्थे हसना भी है इत्थे रोना भी है इस वाके च अल्लाह करीम ने सारा कुछ इकट्ठा करके एवं नहीं अहसन अल कसस फरमाया सारी रात अखियां च गुजर गई पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है उल्फत में निगाहों से बड़ा काम लिया है सारी रात अखियां च बाप ते पुत्र एक दूसरे नो पैगाम देंदे रहे अखियां च गल्लां करदे रहे नौजवान जड़े वेले सुबह हो गई अल्लाह दे नबी यकूब अलैहि सलाम पुत्र नूं सीने नाल लांदे ने इधर भाई पे अपनियां तैयारियां करदे ने यकूब पे यूसुफ नूं तैयार करदे ने उहनां दीआं मावां पईआं तैयार करदीआं इहदा आपा पिया तैयार करदे ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਏ ਜਿਹੜੀ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਏ ਜਦੋਂ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ
अपने पुत्र इसहाक नू दिती, इसहाक ने अपने पुत्र याकूब नू दिती। ओ कमीज जी याकूब ने तवीज बना ली, तवीज बना के अपने पुत्र दे गले च तवीज पा दिता। अज मेरे पुत्र दिया राखियां रबा करनिया नी, पुत्र दे गले च नबिया दी कमीज तपर लुकन डाल दिती। हजरत शुआब अले सलाम दई नौजवान अपने आसा मुबारक याले सलाम दा दिता। हजरत शुआब अले सलाम दी चादर मुबारक पुत्र नू उड़ा दिती। नौजवान पुत्र दिया तैयारियां पे कर देने, अखियां विच अथरू ने, दिल दिया धड़कना तेज ने। अज जुदाई दी दिहाड़े शुरू होन लगे ने। इब्राहिम अले सलाम दा ए पुत्रा याकूब अले सलाम अज अपने पुत्र नू तैयार पिया करदा है। याकूब अले सलाम पुत्र दा कदे मत्था चुमदे ने, कदे पुत्र दे रुखसार चुमदे ने, कदे पुत्र दे लब चुमदे ने। नौजवान पुत्र बाप अल ते बाप पुत्र वल पिया वेखदा है। आरबे करी रहमतुल्लाह अलैह ने किड्डा सोना रंग पेश फरमाया, नाले याकूब यूसुफ नू तैयार पे कर देने ते नाले रो के आख देने की करां कुछ वसना मेरा करां कुछ वसना मेरा दस जानी की करिए इस विछोड़े कोलों कीवें ते बैठ इक थे मरिए इस विछोड़े कोलों कीवें बैठ इक थे मरिए। अल्लाह दे नबी याकूब अलैहि सलाम ने पुत्र यूसुफ नू तैयार कीता। नौजवान तैयार करके अपने पुत्रां दे कोल लेके आए। यूसुफ अलैहि सलाम दियां अखियां च सुरमा पाया, पुत्र नू गुसल करा के नहला के कपड़े पहना के अपने पुत्र नू तैयार करके दूल्हा बना के यूसुफ अलैहि सलाम दा मत्था चुमया। हजरत याकूब उठन लगे, उठिया ना हो जावे। नौजवान गोडियां ते हाथ रख के ठंडे जे होके भर के उठ के खलो गए। याकूब अलैहि सलाम पुत्र नू चुक के सीने न लाया। जड़े वेले परा तैयार हो गए, याकूब अलैहि सलाम यूसुफ नू लैके वीरां दे कोल आए ते फरमान लगे, पुत्रों ऐ शरबत दा प्याला दे, पुत्रों ऐ मैं खाना बनाया दे। पुत्रां नू कहन लगे, मेरा यूसुफ लै जाओ। पुत्रो ध्यान रखिया, जे तुप्पे ना जाण दिया जे, जिधर भेड़िए ने आज उधर भी ना जाया जे। पुत्रो जदू मंगे पानी पिलाया जे, इनू तू पहना जान दिया जे, किधरे रे दरुखसार न कुमला जान। नाले फरमाद ने पुत्रो एदा ध्यान रखिया जे, नाले फरमाद ने पुत्र नू प्यास ना लगे, इदे खाने दा भी ध्यान रखिया जे। आरबे कड़ी रहमतुल्ला ले फरमाद ने आतरदा आतरदा हुन खाली खाने घर विच दखल मकाना महबूबानू विद्या करें दया मुश्किल बचे दिया जाना। ए महबूबानो महबूबानो विद्या करें दया मुश्किल बचे दिया जाना। महबूबानो विद्या करें दया सुभान अल्लाह। तवज्जो है उस जुदाई दी घड़ी दा मैं केड़ा रंग पेश करूं।
बस महबूबानो विद्या करें दिया मुश्किल बच दिया जाना महबूब आ जाए ना तो वापस टोरना हो बंदा एवं पे गड्डिया लगा पिछली तो टुर जाया जी आ पिछली भी आ रही वसल दे दिन दिल कर दे लंबे हो जान पर गिरामी कदर हजरात हजरत यकूब अलैहि सलाम जो पुत्रा नु टोरन लगे टुरदे 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 आप दे इलाके दे दूर एक दरख्त सी किनान दे लोग अपने मेहमानों नु ले के भी इथो जांदे सन ते छोड़ के भी इथे जांदे सन एक दरख्त दे करीब लोग आके ना ते अपने मेहमानों नु विदया कर दे सन यकूब अलैहि सलाम अपने पुत्रा नु नाल लिया सारियां नसीहतां करके ना पुत्रा नु तो यूसुफ अलैहि सलाम दे नाल टुरे 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 उस दरख्त तक आए रिवाज यह सी कि लोग उतो ही लोगों नु विद्या करदे सन अज यकूब अलैहि सलाम भी अपने पुत्र नु विद्या करन लगे ग्रामी कदर हजरा जड़े वेले टुरन दा वेला आया यूसुफ वाले सलाम नो बाप ने सीने न लाया चुमदे रहे नाले रोंदे रहे कलेजे नो हाथ पैंदा आए नौजवान ने अपने सीने ते कलेजे ते यकूब ने हाथ रख लिया मेरा ईमान कहंदा जड़े वेले यूसुफ टुरन लगे दुआ ने एक दूसरे नो मुड़ मुड़ वेख्या हजरत यकूब ने पुत्र नो विदया कीता ओ 40 साल दियां जुदाइयां नजर पईयां आउंदियां 40 साल दे रोने पे नजर आउंदे ने अपने यूसुफ नु विदिया करके परमात्मा ने ले ओ पुत्रा हवाले रब दे ले ओ पुत्रा हवाले रब दे मेले चार दिन दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे नाले रो के परमा देने ले पुत्रा हवाले रब दे ते लंबी पई जुदाई रब मिलाया ते आन मिलांगे होर उम्मीद न काई यूसुफ यूसुफ ने टोरिया ते थोड़ी यूसुफ दूर गए ना ते फरमान लगे यूसुफ पुत्रा मुड़ के वेखिया फरमाए जरा जल्दी आ जाए यूसुफ जरा जल्दी आ जाए मेरा मी कदर हजरात छोड़े दे लम्हे कोई उन्हों पूछे बाबा फरीद रहमतुल्ला ले ने फरमाया से ना कि भी छोड़ा ना किसे दे पेश आवे बिछोड़ा ना किसे दे पेश आवे किसे दा यार ना परदेस जावे हजरत यकूब अलैहि सलाम ने यूसुफ नु टोरिया बड़ी देर तक यकूब अलैहि सलाम उथे खलो के ते पुत्र नु वेखदे रहे गिरामी कदर हजरात यकूब अलैहि सलाम इधर पुत्र नु विद्या पे कर देने ते उधर घर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की बहन ज़ैनब इशराक दा वेला ते बहन ज़ैनब सुती है ते बहन ख्वाब की पे वेखदी है कि एक मेरा भाई यूसुफ है उदे इर्द गिर्द भेड़िए ने ख्वाब च बहन पे वेखदी है कि भेड़िया ने एक कल्ले यूसुफ ते हमला कर दिता है
ख्वाब नाले बहन वेख रही थी नाले ख्वाब च तड़प रही है। यूसुफ अलैहि सलाम ख्वाब च भेड़िया ने हमला किया तो यूसुफ अलैहि सलाम नाले रो रहे ने चिल्ला रहे ने ते नाले बाबा बाबा पे कर दे ने। बहन जैनब पे ख्वाब वेखे तो यूसुफ जरा तो सबर करो सा ख्वाब दा ख्वाब अंदर डरावना वेखे तो उंज डर जाए तो वीर होवे तो ख्वाब बहन वेखदी होवे तो वीर नूं भेड़िए पै जाण। बहन ख्वाब वेखे कि यूसुफ अलैहि सलाम चिल्ला रहे थे रो रहे थे बाबा बाबा कर दे ते भेड़िए यूसुफ अलैहि सलाम नौजवान हमला करके ते कट रहे ने। बहन दी अख खुली चीखा मार के रोन लग पई। इधर यकूब अलैहि सलाम घर पहुंचे ते अखियां च अथरू ने। बहन जैनब रो रही यकूब अलैहि सलाम दे दौड़ के सीने ला लग गई। बहन पूछन लगी बाबा मेरा यूसुफ किथे वे। बहन दा यूसुफ ना प्यार बड़ा कहन लगी बाबा मेरा वीर यूसुफ किथे वे। यकूब अलैहि सलाम ने उंगली दा इशारा किया फरमाया वेख मेरा यूसुफ आ जांदा ओ वेख मेरा यूसुफ वीरा नाल सैर करन पिया जांदा ही। अर्ज कर दिए बाबा जी इजाजत वे मैं वीर नु रोक लावा। अल्लाह दे नबी यकूब ने इजाजत दी थी। बहन जैनब वीरा पिछे पई दौड़ दी है नाले आवाजा मार दी है भाई यूसुफ ठहर जा वे यूसुफ ठहर जा वे यूसुफ ठहर जा। बहन रोंदी रोंदी आके अल्लाह दे नबी यूसुफ दे सीने नाल लग गई ते रो के कहन लगी वे वीरा ना जावी बड़ा डरावना ख्वाब वेखे आई वे वीरा बहन नु कल्या छड़ के ना जावी वे वीरो तुसी जाओ मैं अपना यूसुफ नहीं जान देना। यूसुफ अलैहि सलाम ने बीबी नु सीने ला लिया अपने बहन का मत्था चुम के फरमाउन लगे ज़ैनब तू कर जा मैं शामी आ जावांगा अपने वीरा नाल चलिया। बहन कहन लगी वे वीरा नहीं है भेड़िए वे वीरा मैं छड़ के ना जावी। बहन सीने लग के रोंदी रही नाले रो के कहंदी तेरे बाजो मैं मर जा सा ते की बाप करेगा के बिनियामीन तेरे बिच दर्दा मेरे वांग मरेगा मैं भी मर जाऊंगी बाबा भी मर जाएगा ते छोटे बिनियामीन दा तेरे बाज की बनेगा। बहन रोक दी रही। यकूब अलैहि सलाम रिवायत लिख दी जब पुत्र टोरन लगे ना ते फरमाए पुत्रो यूसुफ तो हाडे हवाले ते यहूदा नु बुला के फरमान लगे यहूदा सब तो बहुता तेरे हवाले। नौजवान सूफी ने एडा लंबा इम्तिहान रब लिया भी इस वास्ते फरमाया यकूब नबी हो के ते इना दे सपुरद पिया करना कदे करदा मेरे सपुरद कदे करदा मेरे सपुरद एडे औखे इम्तिहान च ना पांदा पर पुत्रां दे सपुरद कीता ना अल्लाह दे सपुरद नहीं कीता। यूसुफ अलैहि सलाम ने बहन नूं तसल्ली दे के वापस टोरिया। बहन रोंदी घर आई ना यकूब अलैहि सलाम दे सीने नाल अल्लाह के ज़ैनब रोंदी रही पूछया बीबी रोनी क्यों है। अर्ज कीती बाबा मैं ख्वाब वेख्या मेरे यूसुफ नु बेड़िया ने हमला कीता। यकूब अलैहि सलाम ने पूछया बीबी तू रोनी क्यों है। अर्ज करन लगी बाबा जे ते मैं रोनी हां हुन तुसा भी रोया करना है बाबा मेरा यूसुफ भी छड़ गया जे नौजवान इन्हां बहना दा भी रल कै ना तिज प्यार बखरा ही आंदा है। वो बहन भावे उन्हां सदियां दी बहन होवे भावे बहन अज दी होवे पीरां नाल भैणां दे प्यार वखरे हुंदे ने। ए भैणां मावां दा दूजा रूप हुंदियां ने। भैणां वीरां नाल अज भी प्यार करदियां ने। अज भी अद्धी रात वेले वीर कम तो आवे
बुए भैन ही खोल दिया ने अद्धी रात तक अज भी भैन वीर दिया रावा वेख दिया ने रबे काबा की कसम डा के कहना कायनात चेंज दा प्यार किसे ने किसे नाल नहीं करना जिन्ना भैन अपने वीर नाल कर दिया ने ओ वीर ते शरीक हुंदे ने वीर ते बापियां दे मरन तो बाद अपने वीर नाल प्यों दियां जायदादां बंडदे ने पर वाह भैन की अदमा तू सदके जावा भैन कहदियां मैं वीरे मेरे वीरो लड़िया जे ना वे साडे भी हिस्से रख लो वे वीरो लड़िया जे ना अज भी भैन पेरावां नाल इना प्यार कर दिया ने नौजवानों भैन नूं छिड़का ना मारिया करो अपनी भैन नाल प्यार करिया करो जदू वीर भैन दे घर मिलन जांदा है भैन दे ससुराल च सिर उच्चे हो जांदे ने अज भी भैन ही प्योर भरावां वास्ते दुआवां कर दिया ने जे भैन की कदर पुछनी पुछ मेरे नबी कोलो मेरे आका ने कबीले वाले लोग गिरफ्तार किते उन्हां गिरफ्तार लोगों के अंदर एक बीबी है जिदा नाम शीमा है अम्मा हलीमा भी बेटी है मेरे नबी दी बाजी है उन्हें पुछया लोगो साडे ते हमला किन्हां ने कीता है कहन लगे मदीने दे मुसलमान ने उन्होंने हमला कीता लोग गिरफ्तार हो गए ने पुछ दी उन्होंने सरदार दा की नाम है लोगां आखिया होया दा नाम मुहम्मद जिहड़े वेले बाजी ने नबी दा नाम सुनिया वह बचपन दियां लोरियां याद आईया कहन लगियां लोको एक बारी मैनू मुहम्मद नू मिला दिओ लोग पुछदे ने तू की करेगी कहन लगी जो मैं करांगी जमाना वेखेगा जिहड़े वेले शीमा मेरे आका दे सामने आई ते हाथ जोड़ के कहन लगियां सोहणिया पुछण आई सोनिया पहचानी आई मैं कौन तेरी भैन शीमा आई मेरे आका ने अम्मा हलीमा दा बेड़ा याद आया मेरे आका भैन सीने ला लिया दोवें भैन ते भाई मिठिया गल्लां करदे रे साबा पे वेख देने इंज करके बखा के कहन लगी तेनू झूले देंदी रही हां तेनू लोरियां देंदी रही हां तेरे वास्ते दुआवां करदी रही हां आवेख तेरे दंदा दे निशान ने जेड़े बचपन च लोरियां दिंदियां लगे ने मेरे आका बाजी नू मत्था चुम के सीने लाया सीमा कह लगी वे कमली वालिया मैं एक सवाल लगे आई हां मेरे आका ने बोलिया बोजी बोल की चाहनी है अर्ज कर दिए वीरा एक कैदी मेरे कबीले दे ने मेरे आका दी अक्खां च थरू आ गए फरमाया बीबी सारे लै जा जदू शीबा कबीले नू लै के टुरी लोग वेख के हैरान ने मेरे आका ने बाजी नू बकरियां दितियां बाजी नू दिरम ते दिनार दिते दो गुलाम दिते तीन नौकरानियां दितियां कई ऊंट अदा कीते जेड़े वेले शीमा टुर पई मेरे नबी ने आने वाली उम्मत नू दसिया जदू पैना पुवे आ जान खाली ना टुरिया नबी दसिया जो भैणा नूं टोरो ते इंज करके टोरिया रसूल करीम ने अपनी बाजी की कदर करके उम्मत नूं सबक अता कीता किसे वेले तुहानूं सुनावांगा भैणा दा प्यार इंशाअल्लाह किसे दिन मुकम्मल नवान अर्ज करांगा कायनात दी तारीख च भैणा ने किवें किवें वीरां नाल प्यार कीता मैं किताबा तारीख दी च पढ़िया हज्जाज बिन यूसुफ दे दरबार च तीन कैदी आए औरत खड़ी है रो रो के फरियादां भी कर दी हज्जाज बिन यूसुफ तारीख दा जालिम तरीन हुक्मरान उन्हें पूछा बीबी क्यों रोंदी है लोग आखे कैदी है रिश्तेदार ने पूछा तेरे की लगदे ने बहन कहन लगी ओ एक मेरा वीर
एक मेरा खामद है, एक मेरा पुत्र है। बीबी इस दर्द न रोई। हजाज बिन यूसुफ कह लगा बीबी तेरा रोना वेख के इन्हां नूं जे फांसी दी सजा आए तो रोना मैं इक नूं माफ कर देवांगा। नी बीबी बोल तेरा खामद छोड़ा तेरा पुत्र छोड़ा के वीर छुड़ाना ही। उस औरत ने तारीख दा बहुत बड़ा जुमला बोलिया ते कह लगी वे बादशाह जे छड़ना ही मेरा वीर छड़ दे, छड़ना ही मेरा वीर छोड़ दे। हजाज ने आख्या बीबी खामद नहीं छुड़ाया पुत्र नहीं हो छुड़ाया वीर क्यों भी छुड़ानी है। उस बीबी ने आख्या वे बादशाह खामद टुर गया दूजा कर लवांगी, पुत्र टुर गया दूजा पैदा कर लवांगी, मेरे मापे टुर गए ने वीर कित्थों आएगा। हजाज बिन यूसुफ ने बहन का प्यार वेखिया कह लगा बीबी अज पता लगाए भैणा परावां नाल किन्ने प्यार कर दिया ने। कहन लगा एक नहीं भैण दे सदके सारे अपने प्यार बदले तिन्हां नूं छुड़ा के लै गए। आई भैन दा प्यार, भैन दी कदर करिया करो, इन्हां नूं झिड़का ना मारिया करो, अपनी भैन नाल प्यार करिया करो, इन्हां दे सर ते हथ रखिया करो। इन मानियां कुछ नहीं मंगदियां, अपने हिस्से दियां जायदादां भी वीरां नूं दे के टुर जांदियां। जिन्हां दे हथ विच हथ फड़ांदे हो चुप करके तुहाडी इज्जत लई टुर पैंदियां। इन्हां नाल प्यार करिया करो। ग्रामी कदर हजरात यूसुफ अलैहि सलाम दी बहन ज़ैनब आखन लगी बाबा जी ते मैं रोनी है तू भी रोया करेगा जो ख्वाब च मैं वेखे। यकूब अलैहि सलाम पुत्र नूं विदया कीता, यूसुफ अलैहि सलाम नूं वीरां ने मोढ़े ते चुक लिया कि बाबा पिया वेखदा। नौजवान नूं कदे एक मोढ़े ते चुकदा ते कदे दूसरा चुकदा, कोई मुंह चुमद को मथा पे चुमद। वीर वीर नाल प्यार पे कर देने। गिरामी कदर हजरात जिथे तक यकूब अलैह सलाम नजर आउंदे रहे, मुफसरीन फरमा देने के परा उन्नी देर ते यूसुफ अलैह सलाम नो मोड़ियां ते चुके फिर दे रहे। जदू वे गया पुत्रा ने यूसुफ अलैह सलाम नो यकूब नजर नहीं आ रहे, जिड़े वेले अखां ते ओ जले हो गए, वीरां ने परान चुके मोड़ियां तू जमीन ते मारे। यूसुफ अले सलाम हैरान रह गए, आप बड़े प्यार ना पुछदे ने भैया मैनू सुटिया क्यों है। एक ने थप्पड़ मारिया, नौजवान आप उठ के रोन लग पे। यहूदा दे नेड़े आके कहन लगा वीरा मैनू क्यों मारे आई, उन्हें ठुड्डा मारिया। यूसुफ अले सलाम डके रोहील दी लत्तां नू चमड़ गए, फरमान लगे रोहील वीरा देख मैनू यहूदा मार दई। रोहील ने मुंह ते थप्पड़ मारिया, आप शमून दे नेड़े आए, शमून कहन लगे भाई मैनू पे मार देने। शमून ने भी ठुड्डा मारिया, यूसुफ अले सलाम जमीन ते डिग पे। नौजवान वीर मारी जा देने, यूसुफ रो के वीर वीर पे कर देने। नाले पुछदे ने भी रो मार दे क्यों, हाजरी ने मुंह ते जम कदे के थप्पड़ मार दे, दूसरा चपेड़ मार दे, तीसरा ठुड्डा मार दे, चुक चुक यूसुफ नु जमीन ते सुट देने। यूसुफ रोंदे ने भाई भाई कर देने, यूसुफ वाले सलाम नु वीर मार दे रहे। नौजवानों पानी भी पी गए, शरबत भी पी लिया, यूसुफ दा खाना भी खा लिया। यूसुफ नु प्यास लगी, पानी मंग देने, कहन लगे थप्पड़ मार के यूसुफ चुप कर जा, तेनो अपनी प्यास दी पई है, असी तेरी जान दे प्यासे आ। यूसुफ नु मार दे चपेड़ा ते थप्पड़ मार दे, नौजवानों मुके मार दे ठुड्डे पे मार देने। आर बे खड़ी रहमत लाल फरमांदे ने वीर वीरां दे ए वैरी होंदे आए, वीर वीरां दियां बावां ए
बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां भरा पे मार देने यूसुफ रोंदे रोंदे मुस्कुरान लग पे यहूदा अगे होके पुछदा यूसुफ मारा खा के हसना क्यों है आपने परमाया एक दिन कलियां बह के मैनू ख्याल आया जिदे एडे जवान ते जने वीर होन ओनू किसे दा खौफ कोई नहीं ने अपने वीरां ते मान कीता सी अल्लाह ने मैनू दस दिता है यूसुफ वीरां ते मान नहीं करी दे मान रब ते करी दे वीरां ते मान नहीं करी दे मान रब ते करी देने एदे वास्ते पीर वारशां ने आखिया वारशां मान न करिए वारिसां दा रब बे वारस करमार दाई अल्लाह फरमाया यूसुफ वीरा ते मान नहीं करी दे मान जो भी करिए ओदे ते करी दे फरमाया जो दी हिकमत दी समझ आई वीर मार दे रहे यूसुफ अलैहि सलाम वीरों को मार खान दे रहे हजरत मौलाना गुलाम रसूल अल्लाह पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने किड्डा सोहना रंग पेश फरमाया आप इरशाद फरमा दे ने पकड़ भरा पकड़ भरा ए मार च पेड़ा लाल कीते रुख सारे चुक चुक मारे आओ धरती जख्म लगे तन सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रो के कहते ने भाइयो ना मारो जे कदे मेरे बाबा वेख लिया मेरे जे कदे बाबा वेख लिया ते भाई थप्पड़ मार के कहन लगे हुण बुला ना ओ सूरज ते चन्न ते तारियां नूं जिन्हां दे ख्वाब वेखना बुला हुन सूरज ते चन्न ते तारे नौजवानों बड़ी देर मार दे रहे हजरत यकूब अलैहि सलाम दा पुत्र यूसुफ नाले वीरा कुल मार खावे ते नाले बाबा बाबा करे और अंकी में पेश करा परा जे परा बन जाना ते कायनात च एडा चंगा यार कोई नहीं ते जे परा शरीक ते दुश्मन बन जान ते एडा पक्का दुश्मन कोई नहीं एक कायनात दी तारीख ने दसे यूसुफ अलैहि सलाम दे किस्से ने दसे मैं पहले भी अर्ज कर चुके हां कि परा नु मारन वाले भी परा ही सन ते परा तो बावा कटान वाले भी परा ही सन ये रिश्ता पक्का भी बड़ा ते कच्चा भी बड़ा ये फितरत दे तकाजे ने परा हार दे रहे यूसुफ अलैहि सलाम मार खांदे रहे शमौन ने खंजर निकाल के ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु मारन लगा यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने वीर यहूदा वल वेख के आख्या तेरे ते सुपुर्द कीता सी तेनू भी तरस नहीं आया मैं बाद कुतो विच पढ़िया कि यूसुफ अलैहि सलाम उस वेले बेहोश हो गए यहूदा ने उस वेले तरस आया पानी पानी पे कर दे भाई पानी का घुट भी यूसुफ ने नहीं पिला रहे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जब बेहोश हुई तो उस वेले यहूदा दे अल्लाह ने रहम पा दिता शमौन खंजर मारन लगा तेने रोक दिता अगे आके कहन लगा पहले मैं मरांगा फिर यूसुफ मरेगा भाई कहन लगे यहूदा रात जेड़ा मशवरा कीता सी तू ओदे तो मुकर रहे यहूदा कहन लगा मुकरर मैं नहीं रहा तुसी मुकर रहे हो कि असा वादा कीता सी मारना नहीं खूह च सुट देवांगे यहूदा ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दा सर उठा के गोदी च रखिया यूसुफ अलैहि सलाम ने जेड़े वेले होश आया ना नौजवानों इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी
कमीज मुबारक उतार ली। यूसुफ अलैहि सलाम दे पैरां विच रस्सी बंद ली। कोली एक कुआं सी, एक कुआं केड़ा है, मैं किताब विच पढ़िया कि आपका जिहड़ा इलाका किनान सी, इस किनान तो तकरीबन 3 मील दे फासले ते सी एक कुआं। इस कुएं नूं अपने दौर दे बादशाह शद्दाद बिन आद ने बनवाया। अज जिहड़ा इलाका उर्दन, उर्दन तो जिहड़ा मिस्र वाला रस्ता जा रहा है, उस मिस्र दे राह दे बिल्कुल करीब है कुआं सी। बाद ने लिखिया कि इस कुएं दा नाम जुबुल अहजान, गमा वाला कुआं, दुखा वाला कुआं इहदा नाम सी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर सूरह यूसुफ के अंदर इस कुएं दा नाम दोश लिखिया। किताबा दस दिया ने कि इहदा मुंह छोटा सी मगर अंदरों नीचे तो यह कुआं बड़ा कुशादा सी, अंधेरा कुआं सी। जिहड़े काफिले मिस्र वल टुरदे सन इस कुएं तो पानी पींदे सन। बाइयां ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पैरों च रस्सी बंद ली। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं इन्हां ने पकड़ के ना तो जदों कुएं च लटकान लगे, यूसुफ चीखा मार के रो रहे, बचपन सी नौजवान हो। बाद ने उस वेले आप दी उम्र 12 साल लिखी है, बाद ने 17 साल लिखी, बाद किताबा च लिखे कि आप दा कद मुबारक उस वेले 6 फुट सी। भाइयों ने रस्सी बंद के हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने जड़े वेले कुएं च लटका दिता। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम जड़े वेले कुएं दे दरमियान अंदर गए, एक भी ने दरमियान च रस्सी कट दिती। यूसुफ अलैहि सलाम कुएं दे अंदर जा रहे, अल्लाह दे नबी यूसुफ कुएं दे अंदर जा रहे। ए सदियां पुराना कुबाया देर नगरी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने, अल्लाह ने फरमा कुएं दे अंदर जिन्हें मूजी जानवरो जल्दी करो, अपने सुराखा दे अपने पिल्लां विच चले जाओ। जानवर अपने सुराखा दे अंदर चले गए, ओ जिहड़ा कुआं धेरा है। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम कुएं वल जा रहे, जिधरों जिधरों यूसुफ गुजरते जा रहे, कुएं विच उधर उधर चानन करते जा रहे। यूसुफ कुएं तर जा हूँ। नौजवान तवज्जो रखे, अज मैं जी आप बाब न पैगाम सुनाना चाहना। वीर रस्सी कट दी, यूसुफ कुएं वाल जा रहे। इब्रील अमील फरमाते ने मासे वाले सिदरा ते बैठा हुआ, अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़। अर्ज की दिया अल्लाह की करा, अल्लाह ने फरमा जिब्रील यूसुफ दी रस्सी वीरां कट दिती। अर्ज की दिया अल्लाह मेरे वास्ते की हुक्म है, फरमा जिब्रील जल्दी दौड़, मेरा यूसुफ पानी तक ना जावे, उदे पानी तक जान तू पहले पैरां थले पर बिछा दे। दौड़ दौड़ जिब्रील, दास्तान है। मैं सुनो बात नो फैला देव, कई जो मैं से गलत लगते हैं। ये मेरे गुजरात के पीर भाई आए ने, भाई भाई मोहम्मद शहजाद साहब जनाब अलवी साहेब, और ये मेरे पीर दा करम है। सुभान अल्लाह। कितना रोजाना है? 50 से 60 हज़ार मरतबा रोज अलवी साहब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कितना? और नागा एक दिन भी नहीं जिंदगी। सुभान अल्लाह। पिछले साल कितना सी? 1 करोड़ 75 लाख पिछले साल दुरूद शरीफ पढ़े। पिछले एक साल च 1 करोड़ 75 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िया। अल्लाह करीम कबूल फरमावे। और मैं जब भी वेख्या बस इसे काम ही वेख्या, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल्हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। गिरामी कदर हजरात,
वीरा रस्सी कटी तो यूसुफ अलैहि सलाम खूह वाले जा रहे थे, जबरील दी दौड़ लग गई। अगली गल सुना दे साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम अलैहि सलाम ने एक बार जबरील अमीन को पूछा, फरमाया जबरील तेरे च कितनी ताकत है? अर्ज की मदीने दे वालिया अख चपकन की देर तक मैं जमीन की तख्त सराग तो लैके सिदरतुल मुंतहा तक 70 चक्कर लगा लेना, जमीन की तख्त सराग तो लैके सिदरतुल मुंतहा तक 70 चक्कर मैं अख चपकन की देर तक लगा लेना। सरवर आलम ने पूछा जबरील कभी अपनी पूरी ताकत नाल भी उड़े? तुसी हौला बोलो तुहाडी बाहर आवाज ना चली जाए, मैंने पता है मस्त हो गए हो। पर शेख सादी फरमाते ना कि ऊंट मस्त आवे तो एक मन की बजाय दो मन पार चुक जाता है, तो बंदा मस्त है तो उंज मान नहीं आता। मस्ती च बोलो सुभान अल्लाह, बार वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजूर ने पूछा जबरील कदे अपनी पूरी ताकत नाल भी उड़े? अर्ज की सैयदुल अरब वल अजम, मैं अपनी हयाती च 4 मरतबा अपनी पूरी ताकत नाल उड़िया हाँ। सरकारे दो आलम ने फरमाया जबरीलो केड़े केड़े वेले ने? अर्ज की कमली वाले पहली बार जदों नमरी नमरूद ने हजरत इब्राहिम नु आग विच सटिया, अर्ज की थी कमली वाले मैं सिदरतुल मुंतहा ते बैठा वा, नमरूद ने इब्राहिम नु आग विच सुट दिता है, अचानक अल्लाह की आवाज है जबरील जबरील दौड़। अर्ज की आला हुक्म होवे, फरमाया जबरील मेरा यार अग वल जा रहा है। अर्ज की आला हुक्म होवे, फरमाया जल्दी जा, मेरा इब्राहिम अग तक नहीं पहुंचना चाहिदा। अर्ज की मदीने दिया ताजदारा हजरत इब्राहिम अग वल टुर पैने, मैं सिदरत उड़िया, मैं जाके जन्नत विच एक तख्त ले आंदा, तख्त ले आके अज इब्राहिम अग च नहीं पहुंचे, मैं तख्त पहले बिछा दिता। हाजरी ने बहुत शब्द हजूर ने पूछा जिब्रील दूसरी बार केड़ी? तौफीक वाला बोले सुभान अल्लाह, जेड़ा हाथ नहीं चुकता नाल दा बेशक पढ़ के चुक दियो। अर्ज की थी कमली वाले दूसरी बारी जद इब्राहिम इस्माइल नु ज़िबा ला के करण वास्ते टुर पए, पुत्र दी अखियां ते पट्टी भी बन लई, अपनी अखियां ते भी पट्टी बन लई, पुत्र दे हाथ ते पैर भी बन ले। अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने छुरी पकड़ के इस्माइल दे हलक दे रख लई, मैं सिदरा ते बैठा वा, अल्लाह दी आवाज आई जिब्रील दा इब्राहिम ने छुरी फेरनी शुरू कर दी, सिदरा तू दौड़िया जन्नत चो दुंबा लैके इस्माइल नु खिंच के थले दुंबा लटा दे। अर्ज की मदीने वाले तीसरी बार जब हजरत यूसुफ नु वीरा खूह च सटिया, रस्सी कटी गई तो यूसुफ खूह वाल जा रहे, अल्लाह फरमाया जबरील दौड़, मैं सिदरा तो दौड़िया तो यूसुफ अलैहि सलाम दा मैं पैर भी गिला नहीं होने देता, अपने पर ते बिठा के नाली का पत्थर ते बिठा दिया। फरमाया चौथी बार, अर्ज की कमली वाले चौथी बार उदो जदो जंगे ओहद दे अंदर, कमली वाले काफिरां तेरा दंद मुबारक शहीद कीता, दंद पूरा शहीद नहीं होया याद रखा, दंद मुबारक दे सज्जे पासे एक निक्की जी नुक्कर, दाएं तरफ तो निक्की जी नुक्कर, क्योंकि दंद निकल जाए ये ऐब है, नबी चैब
सहाबा फरमाते ने दंद का एक निका जहा कोना सज्जे पास हजूर का उखड़ गया, उसका फायदा हो गया कि हजूर का हुसन होर वध गया। जो हजूर मुस्कुराते सन तो उतों नूर की लाट निकलती सी। कमली वाले तेरा खून का कतरा जमीन वाल तुर पिया, मैं सिदरा ते बैठा वा अल्लाह की आवाज जिबरील दो सब्जा पैदा नहीं आन देवगा, जेड़ा है वह भी सड़ जाएगा। अर्ज की कमली वाले तेरे खून का कतरा जमीन वाल जा रहा, मैं सिदरा तू दौड़िया खून का कतरा जमीन तू डिगन तू पहले पहले मैं थले पर बिछा। चार मौके ने जो मैं पूरे जोर ना दौड़िया, तवज्जो जी तवज्जो, जो मैं पूरे जोर ना दौड़िया। आइए हुण गल सुन, जमीन तो लैके पहले आसमान तक 500 साल का सफर, कितना फिर बोलो, पहली जमीन तो पहले आसमान तक 500 साल का सफर है, पहला आसमान फिर 500 साल मोटा है, फिर पहले आसमान तो दूसरे आसमान का दरमियानी फासला 500 साल है, दूसरा आसमान फिर 500 साल मोटा है, दूसरे ते तीसरे आसमान का दरमियानी फासला 500 साल है, तीसरा आसमान फिर 500 साल मोटा है, तीसरे ते चौथे का फासला 500 साल है, चौथा आसमान फिर 500 साल मोटा है। इस तरह सारे आसमाना की तरतीब है, ते सात आसमान तो ऊपर 500 साल सफर करिए ते फिर सिदरतुल मुंतहा आउंदी है, ते जिब्रील उत्थे बैठा है। वजह है तो होर गल सुन, अज दी साइंस कह दी है कि सूरज जमीन तो 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। हदीस दी किताबा च और सीरत निगार फरमा दे ने कि सूरज चौथे आसमान ते है, 9 करोड़ 30 लाख मील दूर सूरज है, 1,86,000 मील फी सैकंड की रफ्तार नाल सूरज की किरण जमीन वाल तुरदी है, 1,86,000 मील फी सैकंड की रफ्तार नाल सूरज की किरण जमीन वाल तुरदी है। सूरज जब तुलु होंदा 8 मिनट च सूरज दी किरण जमीन तक पहुंच जाती है, 8 मिनट च 9 करोड़ 30 लाख मील का फासला 8 मिनट च सूरज की किरण कर देगी। ते गिरामी कदर हजरात सूरज ते बहुत थले वे, ते सिदरा ते बहुत उते वे, पता लग्या सूरज की किरण 8 मिनट च जमीन तक आउंदी है। पर जिबरील तू भी दूर वसद अख जपकन तक आ जाता है, ये जिबरील होवे जेड़ा मेरे तेरे नबी दे कदम चुमदा है, पता लगिया जेड़ा कदम चुमदा है वो ते इन्नी जल्दी आ जाता है, ते मदीने वाले नू बुलाइए वो भी आ जाता है। सुन्नी मामा दे पुत्र बैठे हो, जे जिबरील आ सकता है भाई कमली वाला नहीं आ सकता, पता लगे को बुलावे ते सही, जेड़ा कदम चौमदा जी ओ एडी जल्दी आ सकता है। रोखे वाले मदीने वाले नु भी बुलाइए ते ओ भी, मेरा ईमान कहता मदीने वाला मुंह करके आखिए वे छोड़े दे मैं सदमे रोज चलाया। हाथ कर लो बुलंद, अखियां कर लो बंद, तसव्वुर ए करो कि शेख शरफुद्दीन यहिया मौलवी, शेख शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फालज होया तो मेरे नबी नो
फालज की हालत अंदर आवाज मारी, आखिया मदीने दे वालिया जरा शाफी बन के आ जाना। हजूर खा बेचा के इरशाद फरमाया, शेख शरफुद्दीन या बुसीरी, शेख शरफुद्दीन बुसीरी जरा मैनु ना ते सुना जड़ी मेरी शान च लिखी। आपने फिर उस वेले अर्ज की, कमली वाले मैं लिखिया मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम वल हबीबुल लजी तुरजा शफाअतुहु लिकुल हौल मिनल अहवाल मुक्तहिम। محمد سيد العرب والعجم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ आपने नात सुनाई ना, हजूर ने अपनी चादर मुबारक तोहफा दी। हजूर ने जड़ी चादर दी अपनी अखियां खुलियां ते चादर सराहने पई सी। चादर नु बुरदा किया जाता है, इस वास्ते इस कसीदे नु कसीदा बुरदा शरीफ किया जाता है कि चादर वाला किस्सा ते बुरदा ते चादर वाला कसीदा। आओ सबर ओ करो के बुलाइए ते आ जांदा है ते अखियां बंद करके पढ़ो। बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चला सुनियो जड़ा यार रसूल अल्लाह या खदा है जड़ा कमली वाले दे टुकड़ियां ते पले पड़े। बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या गूंज पा दियो। बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह। छोड़े दे मैं सदमे रोज चला छोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह। करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला या बाद करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला। पता लग्या कमली वाले नूं जे बंदा आवाज मारे नहीं ते मैं कुरान दी गवाही देना। अल्लाह ने फरमाया इल्ला अरसलना का शाहिदा। परवरदिगार ने फरमाया मेरा महबूब शाहिद है गवाह मौजूद है। अर्ज की थी या अल्लाह किवें मौजूद है। परवरदिगार ने फरमाया ए मेरे नबी दे गुलामा जे तेरे कोलो मदीने ना आया जावे फिर तसल्ली रखी जे तू ओथे मौजूद नहीं फिर तेरा नबी तेरे कोल मौजूद है। तेरे कोलो ना गया जाया गया फिर वो आ जावेगा। किरा भी कदर हजरात पता लग गया जे जिब्रील मुहम्मद दे कदम चुमन वाला आ सकदा फिर कमली वाला भी आ सकदा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने यूसुफ अलैह सलाम खूह च गए ना ते पानी खारा सी कुआं नूरो नाला नूर हो गया। यूसुफ अलैह सलाम खूह च गए तो उस खूह दा पानी फौरन मिठा हो गया। कितना कमाल है। नबिया के कदमों की फजीलत वेख इस्माइल के कदम लगन पानी बने आबे जमजम बने जेड़ा पीवे रब शिफा देवे। सूफिया फरमाते ने आबे जमजम जिस नीयत नाल पीवी वो नीयत जरूर पूरी हो जाती है। जिड़ी नीयत करके बंदा आबे जमजम पीवे दुनिया के सारे पानी बैठ के पी आबे जमजम नबी दे पैरों वाला अदब कर उठ के पी नबी दे पैरों वाला पानी है ना। अल्लाह दे नबिया ने अल्लाह करीम ने फजीलत दी है पानी पानी पैरों में लग जाए शिफावां वाला। हादा मुख्तसल बारिद व शराब अयूब अलैहि सलाम ने उसे पानी ना गुसल किया अल्लाह शिफावां वाला पानी बना देता। यूसुफ भी जब खूह च गए तो पानी मिठा हो गया। पर कमाल की है यूसुफ खूह विच गए तो पानी मिठा होया। यूसुफ आप गए तो मिठा होया मेरे नबी गए नहीं।
सरकार ने अपना थुक मुबारक लुआबे दहन सुट दिता, खूह मिठे हो गए। बल्कि थुक मुबारक भी नहीं, मैं ते हदीस चिंज भी पढ़े, सरकार गुजरे तो फरमाया खूह चू पानी पिलाया, जर्ज की यार सुन ला बड़ा ही खारा पानी है, इदा ते नाम ही सी बान असा रखे कौड़ा खूह। हजूर ने फरमाया ना ना बदल दिए यार सुन ला, क्यों? फरमाया था नाम तुसा सीबान रखे, मैं नुमान रखे। हजूर फर्क की पिया, फरमाया उतू आवाज आ गई कबली वाले, तू ना बदल दिता सा जायका बदल दिता। यूसुफ आप जानते ने ते कौड़े खूह मिठे होंदे ने, मेरा नबी ना बदल देंदा मिठे हो जाते। कमाल है मेरे करीम आका अलैहि सलाम का। यूसुफ अलैहि सलाम खूह विच गए, तवज्जो है, आओ थोड़ा पीछे चलिए। गिरामी कदर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जब खूह विच गए, बस आखिरी बात, मैंने पता वक्त ज्यादा हो गया, मैं इख्तसार नाल, हजरत हूद अलैहि सलाम दे जमाने च अल्लाह दा वली सी, उदा नाम सी यहूदा। उन्हें हजरत शीस अलैहि सलाम दे सहीफे च हजरत यूसुफ दे हुसन दा जिक्र पढ़िया, इबादत बड़ी करदा सी ते मुस्तजाब दावा सी, उन्हें अर्ज की थी या अल्लाह कदे यूसुफ मैनू भी विखावे ना। हुसने यूसुफ दी लगन लग गई, अर्ज की थी अल्लाह मैं यूसुफ वेखना ते मेरी उम्र एडी लंबी कर दे, मैं यूसुफ नु वेख लवां, बस जिंदगी इन्नी चाहिए यूसुफ वेख लवां। हुसने यूसुफ दा मतवाला नाम आदा यहूदा। अल्लाह ने फरमाया जे यूसुफ नु वेखना टुरिया चल, टुरिया चल, अर्ज की थी अल्लाह किते जावा, फरमाया मिस्र दे रात एक खूह आवेगा जिन्हों शदाद बिनाद ने बनाया है, फरमाया उस खूह च जाके डेरे ला ले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने दी उम्र 1200 साल हो गई, ते खूज बह के अल्लाह 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 पिया करदा है, नाले रो रो के कहंदा हदों बहुत जुदाई गुजरी, यार नहीं मुख विखाया, मौला मेरा यार मिलन दा अजे वेला क्यों नहीं आया। खूज बह के नाले अल्लाह अल्लाह करदा है, नाले सैकड़ा साल इबादत करदा रहा, नाले यूसुफ दियां उड़ीकां करदा रहा, नाले यूसुफ दियां यादां च रोंदा रहा। जेड़े वीला ने वीरां ने रस्सी कट्टी, यूसुफ अलैहि सलाम खूज पत्थर ते बैठे, एक सुराख चो निकल के यूसुफ दे सामने बह गया, ते हाथ जोड़ के कहन लगा सोने आ गया, सोने आ गया है। यूसुफ हैरान रह गए तू कौन है, कहन लगा लजपाला सदियां गुजर गया तेरिया उड़ीकां करदा रहा वा, इबादत दा ते बाना खुली तेरिया रामां च पा के बैठा रहा, ते रो के कहन लगा लजपाला वीरां दा शिकवा ना करी कि उन्हां तेनू खूज सुटिया है, सोने उन्हां नहीं सुटिया तेनू ते मेरा प्यार लेके आया। तेनू ते इत्थे मेरा प्यार लैके आया। उन्हें यूसुफ दा चेहरा वेख्या, इमाम गजाली फरमाते ने उत्थे फौत हो गया। इंज दे आशिक बिना यूसुफ दे